अस्सलाम वालेकुम। एक प्रॉब्लम है, सपोज वी वांट टू फाइंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर 1D ऑसिलेटर। इससे पहले हमने जो लेक्चर पढ़ा है वेरिएशनल मेथड का, यही उसी वेरिएशनल मेथड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है कि हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करनी है फॉर 1D ऑसिलेटर। तो लेट्स स्टार्ट। हमें पता है कि जो हैमिल्टोनियन होता है वो जो है वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है वो माइनस एच कट स्केयर ओवर 2m d² dx² होता है, प्लस 1/2 m ω² x², ये हमारे पास किसका पोटेंशियल एनर्जी का। तो हमने जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करनी है ना, वो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकलनी चाहिए वो निकलेगी 1/2 h² ω। ये जो बॉक्स के अंदर लिखी हुई ना, ये वैल्यू, ये आंसर निकलना चाहिए, ठीक है। जो एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है 1D ऑसिलेटर की, वो 1/2 h² ω होती है। तो एक हम गार्जियन एक वेव फंक्शन ले लेते हैं साई, गार्जियन वेव फंक्शन ले लेते हैं साई इज इक्वल टू ए e-bx². अगर हम साई का डैगर ले लें तो साई डैगर इज इक्वल टू आ जाएगा ए का, हमारे पास क्या आ जाएगा, डैगर आ जाएगा ए डैगर e-bx² आ जाएगा। हमारे पास साई और साई डैगर की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें पता है कि नॉर्मलाइज की क्या कंडीशन होती है, कि साई डैगर साई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। अब हमने साई डैगर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए डैगर e-bx², और साई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए e-bx². हमने साई डैगर और साई की वैल्यू पुट करनी है। जब हम साई डैगर और साई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ए डैगर और ए कांस्टेंट है, यानी कि ए इंटू ए डैगर और ए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए मोड का स्केयर। तो ए मोड का स्केयर कांस्टेंट बाहर आ गया। अब हमारे पास दो वैल्यूज बचेंगी, e-bx² और e-bx². अब बेसिस सेम हो तो पावर एड होती है, तो जब पावर एड होगी तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, e-2bx² बन जाएगी। तो लिमिट के आगे हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, e-2bx² और ए मोड का स्केयर चूंकि कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा। अब हमने एक गार्जियन इंटीग्रल का फॉर्मूला पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स 1 के अंदर, के माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट है और पावर और वैल्यू हमारे पास क्या है, e-ax² dx। तो ये फॉर्मूला हमारे पास इक्वल होता है पाई ओवर ए के। अब चूंकि ये देखें e-एक्सपोनेंशियल की पावर के अंदर यहां पे क्या यूज हुआ है, ए यूज हुआ है, तो हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, पाई ओवर ए। लेकिन जिस चीज का हम इंटीग्रल फाइंड करना चाह रहे हैं वहां पे हमारे पास देखें माइनस, यहाँ पे 2b यूज हुआ है, तो हम यहाँ पे पाई ओवर ए की जगह पे पाई ओवर 2b यूज करेंगे। दोबारा समझेंगे, ये गॉसियन इंटीग्रल है ना, गॉसियन इंटीग्रल के अंदर एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, e-ax² है, जो कि इक्वल आ रहा है अंडर रूट पाई ओवर ए, क्योंकि एक्स केयर के साथ यहाँ पे हमारे पास ए था इसलिए हमारे पास पाई ओवर ए आया। अगर यहाँ पे ए की जगह पे 2b होगा तो पाई के नीचे क्या आ जाएगा, 2b। तो अब हमारे पास ये जो गॉसियन इंटीग्रल है ये सारी की सारी ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा अंडर रूट पाई ओवर 2b के। तो 1 इज इक्वल टू ए मॉड का स्केयर पाई ओवर 2b हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। अब हमने चूंकि a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू फाइंड किस तरह होगी, पहले तो हमारे पास ये होगा कि पाई ओवर अंडर रूट पाई ओवर 2b उस साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो 2b ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा और अंडर रूट की पावर क्या होगी, 1/2 होगी, ठीक है, 1/2 होगी। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए स्केयर है, तो हमने क्या कर लेना, अंडर स्केयर रूट अप्लाई कर देना दोनों तरफ। जब स्केयर अप्लाई करेंगे तो ए मोड का जो स्केयर है वो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरफ हमारे पास उसकी पावर पहले 1/2 थी, जब हमने अंडर रूट लिया तो 1/2 ये वाली पावर और 1/2 अंडर रूट की पावर, तो ये हमारे पास 1/4 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, 2b/π की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/4। अब हम बताएं हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हम अगर जो हैमिल्टोनियन का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू किसकी इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के प्लस पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के। अब हमने पहले फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो हमें पता है कि हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, उस जो जिसकी हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम सैंडविच कर देते हैं इन बिटवीन साई डैगर एंड साई। साई डैगर की वैल्यू भी हमारे पास है, साई की वैल्यू भी हमारे पास है, और टी हमारे पास क्या, टी की वैल्यू, टी का जो ऑपरेटर है काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या है, माइनस h² / 2m d² / dx². तो हमने सिंपल क्या किया, हमने इस ये साई डैगर साई और टी की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, टी एक्सपेक्टेशन वाली इक्वेशन के अंदर। तो माइनस h² / 2m हमारे पास कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, साई डैगर साई बचा और d² / dx² बचा। साई डैगर की वैल्यू हमने पुट कर दी e-bx² है, d² / dx² इंटू e-bx² साई की वैल्यू आ गई। तो यहां से हमारे पास जो ए डैगर ए होगा वो ए मोड का स्केयर हो जाएगा, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, e-bx² d² / dx² × e-bx² अब हम पहले यहां से सिर्फ इस पार्ट को सोल्व करेंगे, d² / dx² की का आगे क्या है, e-bx²
यानी कि एक्सपोनेंशियल की बाबा जो माइनस बी एक्स के रहा ना, इसका हमने डबल डेरिवेटिव लेना है। तो जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, एक दफा एक्सपोनेंशियल सारी की वैल्यू वैसे की वैसे, और उसकी पावर का डेरिवेटिव, इसकी पावर क्या है माइनस बी एक्स के है, तो माइनस बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस टू बी एक्स, तो इसलिए यहाँ पे माइनस टू बी एक्स साथ आ गया। ये हमने लिया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे टू बी माइनस टू बी क्या है कॉन्स्टेंट है, और आगे हमारे पास क्या एक्स है और ई की पावर माइनस बी एक्स के है, ये दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में आप क्या करेंगे, माइनस टू बी कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, पहले आप एक्स एक्स पहली वैल्यू वैसे की वैसे रहने देंगे, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे प्लस फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरी वैसे की वैसे, वहां इस तरह सॉल्व करने के बाद आपके पास यहां से ई की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर अगेन कॉमन आ रहा होगा, वो आप कॉमन ले लेंगे, तो आपके यहाँ पे डी डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप अब इस इक्वेशन के अंदर इसकी जगह पे ये जो अभी आपने फाइंड किया इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन पुट कर देंगे, ये इक्वेशन हमने पुट कर दी, ये यहाँ पे देखें यहाँ पे पूरी की पूरी हमने यहाँ पे इक्वेशन पुट कर दी। उसके बाद आप हमारे पास ई की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर वही पहले वाला बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया कि यहां से 2b, ये जो 2b कांस्टेंट आ रहा है, पहले ये वाली इस वैल्यू को अंदर हम 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहां पे भी 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने 2b को कॉमन ले लिया है। 2b जब हम कॉमन लेंगे, ये बाहर वाला जो माइनस एच कट स्क्वायर है, ये देखिए यहाँ पे जो माइनस टू बी आ रहा है, हमने यहाँ से माइनस, ये माइनस टू बी था, ये बाहर वाला जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, एच कट स्क्वायर बाय टू बी, और टू बी हमने कॉमन ले लिया, और ए मोड का जो स्क्वायर था उसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी टू बी ओवर पाई। अंदर हमारे पास क्या बच गया, ब्रैकेट के अंदर ई की पावर माइनस टू बी एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर बच गया, ओके। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, इस पहले वाली के साथ अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, दूसरे वाली के साथ अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है कि जब हम पहले वाली के साथ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो उसका जो इंटीग्रल आएगा गॉसियन इंटीग्रल, वो अंडर रूट पाई ओवर टू बी के इक्वल आएगा, ठीक है, अंडर रूट पाई ओवर टू बी के इक्वल आएगा माइनस, ये टू बी वैसे के वैसे आ गया, और ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, इसका जो गॉसियन इंटीग्रल होगा वो इक्वल होगा वन ओवर फोर बी पाई ओवर टू बी अंडर रूट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो बाहर हमने रिप्लेस किया था ए मोड के स्केयर को रिप्लेस किया था टू बी ओवर पाई से, वो टू बी ओवर पाई अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये जो टू पाई टू बी ओवर पाई है ये जब पाई ओवर टू बी से मल्टीप्लाई होगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास नीचे वन बचेगा, और नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा टू बी फोर बी से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा वन ओवर टू बचेगा, और ये बाहर वाला टू बी ओवर पाई अंदर मल्टीप्लाई होगा तो उसको वन कर देगा, तो इसमें हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ एच कट स्क्वायर ओवर टू में टू बी वो जो हमने कॉमन लिया हुआ था वही चलता आ रहा है नीचे, यहां पे हमारे पास वन बच गया माइनस टू बी फोर बी से कैंसिल हुआ तो वन ओवर टू बचा, और ये जो बाहर टू बी ओवर पाई है ना ये इसको भी कैंसिल कर देगा और ये इसको भी कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास वन माइनस वन ओवर टू ही बचेगा। तो एच कट स्क्वायर ओवर टू एम था तो टू एम जो है ये टू बी वाले के साथ कट गया, तो हमारे पास बच गया एच कट स्क्वायर बाय एम बी, और ये वन माइनस वन में से हाफ जाएगा तो हमारे पास हाफ बच जाएगा, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एच कट स्क्वायर बी ओवर टू एम, ये हमारे पास आ गई टी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब हमने फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू वी की, तो हमने उसको सैंडविच कर दिया इन बिटवीन साई डायग्राम और साई, तो वी की जो हमें ऑपरेटर पता है कि वो वन ओवर टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो वन ओवर टू एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन है वो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साई टाइगर एक्स स्क्वायर साई, साई टाइगर और साई की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि हमारे पास क्या है ए मोड का स्क्वायर है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस टू बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर हमारे साथ हमारा वैसे क्या है, तो इसका हमारे पास जो गॉसियन इंटीग्रल वो किसके इक्वल था वन ओवर फोर बी, वन ओवर फोर बी इंटू पाई ओवर टू बी। ये वाला स्टेप ना करें, यहां से डायरेक्ट स्टेप आप जो है ये कर लें कि ये जो हमारे पास इंटीग्रल है ये गॉसियन इंटीग्रल किसके इक्वल होगा वन ओवर फोर बी, ये जिसको हमने वन ओवर टू लिखा हो वन ओवर फोर बी डॉट वन ओवर बी, ये वन ओवर फोर बी ही बनेगा वन ओवर फोर बी पाई ओवर टू बी, ठीक है। और बाहर हमारे पास क्या है ए मोड स्केयर की जगह हमारे पास टू बी ओवर पाई आ जाएगा, ठीक है, और वन ओवर टू एम ओमेगा स्केयर। अब ये वहां से वन ओवर फोर बी बाहर आ जाएगा, फोर टू से मल्टीप्लाई होगा तो वन ओवर एट एम ओमेगा स्केयर वन ओवर बी, और ये टू बी ओवर पाई अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा पाई ओवर टू बी से, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वन ओवर एट एम ओमेगा स्केयर बी। तो यहां से हमारे पास टी की भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई और डब्ल्यू की भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई, तो जब हम उसको इसके अंदर प्लेस करेंगे तो एच कट स्केयर बी ओवर टू एम प्लस एम ओमेगा स्केयर एट बी,
उसके बाद हमने एक नोटेशन पढ़ी है कि जब हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं ना इस इक्वेशन का, यानी कि जब हम डी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का डिफरेंशियल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी जब हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं वो इज इक्वल टू जीरो होता है, इज इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि जब हम एच हैमिल्टोनियन का एच का जब हम डिफरेंशियल लेंगे तो वो इज इक्वल टू जीरो होगा। तो ये जो ऊपर वाली जो इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन, ये इस इक्वेशन का जो यहाँ पे ये इक्वेशन सम की फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन जब हम बात करें कि इसका डिफरेंशिएट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, बल्कि माइनस एच स्क्वायर स्क्वायर ओवर 2m माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ओवर 8 बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां हमने क्या करना है, माइनस करना है ड्यू टू दिस, ठीक है, और एच कट स्केयर ओवर 2m ये हमारे पास माइनस की माइनस में इधर आग प्लस के हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर ओवर 8 बी। यहां से हमने क्या करनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए ये b इधर ही रहेगा, एच कट स्केयर नीचे आके इधर डिवाइड हो जाएगा, ये 2m इधर चला जाएगा, तो b स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर ओमेगा स्केयर ओवर 4 एच कट स्केयर। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एम ओमेगा 2 एच कट। अब इस b की वैल्यू को हमने कहां पे पुट करना है, इस b की वैल्यू को हमने इस हैमिल्टोनियन की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी यहां पे पुट कर देना, इन दो जगह पे। तो जब हम यहां पे अप्लाई करेंगे तो यहां पे हमारे पास b की वैल्यू ये देखिए यहां पुट की है, और यहां पे हमारे पास b की वैल्यू यहां पे पुट की है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एच कट बाई ओमेगा, एच कट ओमेगा बाय 4 बचेगा प्लस एच कट ओमेगा बाय 4 बचेगा यहां से भी, तो 2 एच कट ओमेगा बाय 4 बचेगा, और ये जैसे इससे जब कैंसिल होगा तो हमारे पास 1 बाय 2 एच कट ओमेगा होगा, जो कि हमारे पास क्या है, मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है जो कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, जो कि इस प्रॉब्लम के स्टार्ट में बता दिया गया था कि जो इसकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है 1D ऑसिलेटर के लिए वो होती है 1/2 एच कट ओमेगा।